वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर शेयर मार्केट पर। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स की शुरुआत 57,983 से हुई, फिर 280 पॉइंट्स बढ़कर 58,141 पर पहुंच गया। निफ्टी 17,299 पर खुला, फिर 80 पॉइंट्स बढ़कर 17,317 पर पहुंच गया। बीएसई में 1771 शेयर्स ग्रीन मार्क पर रहे, जबकि 1389 शेयर्स लाल निशान पर रहे। सेंसेक्स में टॉप पर रही रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी। रिलायंस इंडस्ट्री 4.15% के साथ सबसे आगे रही। घाटे में रही भारती एयरटेल, हिंद यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और इंडसलैंड बैंक। -1.25% के साथ भारती एयरटेल घाटे में रही। निफ्टी में सबसे फायदे में रही 4.13% के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और सबसे ज्यादा घाटे में रही -3.2% के साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। मार्केट में बढ़त को देखते हुए रुपए की कीमत 3 पैसे बढ़ी है। इंटरनेशनल क्लाइमेटिक समिट में आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से मुकेश अंबानी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। अंबानी बोले कि अगले 3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। अंबानी बोले कि हमें जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल बनाने के लिए तेजी से हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। समिट के दौरान अंबानी ने प्रधानमंत्री को बताया कि ग्रीन पावर पर काम करके हम दुनिया को एक संदेश देंगे। इस तरह से हम ग्रीन पावर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। अंबानी ने दूसरी बात ये कही कि साल 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। कंपनी 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल क्षमता सेटअप तैयार करने की योजना में है। बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ी खबर है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 3 सितंबर को एक्साइट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है। इस डील में करीब 6,687 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्साइट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी डील में मंजूरी दे दी है। एक्साइट और एचडीएफसी में कोई साझेदारी नहीं होगी, बल्कि अब एक्साइट में पूरे 100% का हिस्सा एचडीएफसी का होगा। अब अगर आप उसके ग्राहक हैं तो बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर इस डील का कोई असर नहीं होगा। सारी पॉलिसी और सर्विसेज पहले की तरह ही चलेंगी। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने बताया कि इंडियन लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में ऐसा पहला ऐतिहासिक डील है। अगर आप गोल्ड लेने की सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए है, क्योंकि सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 सीरीज 6 के लिए 3 सितंबर को सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आरबीआई की तरफ से इस किश्त के लिए कीमत 4,732 रुपए रखी गई है। इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 3 सितंबर आखिरी डेट है। बॉन्ड में ऑनलाइन अप्लाई और पेमेंट करने वालों को सरकार छूट भी देती है। इस स्टार्टअप कंपनी सीसीआई में एक नामी गिरामी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। उड़ान का आरोप है कि पार्ले मार्केट में अपनी हैसियत और दबदबे का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो रोजमर्रा के उत्पादों की आपूर्ति करने से मना कर रही है। पार्ले जी के बिस्किट का मार्केट में 50% से ज्यादा योगदान है, इसलिए छोटे दुकानदारों का स्टॉक कर पाना जरूरी है और पार्ले कंपनी उत्पादों की आपूर्ति के लिए साफ मना कर रही है, जिसकी वजह से उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म्स को खुले बाजारों से प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।